के गाने में आप लोगों देखा सारे एवेंजर्स वॉरशिप के ऊपर पहुंच जाते और वो सब लोग इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में फ्रैंकलिन और शिनचैन को बता देते। और अभी के लिए एवेंजर के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स है और एक इन्फिनिटी स्टोन थैनोस ने चुरा लिया है। और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन और शिनचैन की याद आ जाने के कारण उन्हें नहीं पता ग्रीन चैन और चॉप डॉक्टर अवार्ड के कब्जे में वो उन्हें ढूंढने के लिए घर की तरफ जाते। और दूसरी तरफ अलग यूनिवर्स के दो एलियंस ओम्ब्रिटिक्स को लेके अपने ब्रह्मांड में जा रहे होते तभी वहाँ पे गॉड टाइटन आने की वजह से वो दोनों आपस में बिछड़ जाते और गॉड टाइटन और फ्रैंकलिन द लैंड टाइटन थैनोस के आर्मी में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेड चैन यानी रोबोट चैन फ्रैंकलिन को बहुत मारता है। अब आगे अरे फ्रैंकलिन भाई आपके सामने देखो ऊपर से स्पेसशिप गिर रहा है। अरे अरे ग्रीचर तेरे से कितने से छोड़ दे फ्रैंकलिन भैया को कुछ मत करना तुझे छोड़ूंगा ना मैं। अरे कोई तो बचाओ अरे कोई तो बचाओ नहीं अरे मेरे को फ्रैंकलिन भाई को बचाना पड़ेगा। अरे ये कौन है अरे ये क्या चीज है अरे ये कौन है ये ऊपर से क्यों गिरा भाई हेलो कौन है ऐसे तो छोटा गई अरे तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे छोड़ दे तेरे से कितने से क्या कर रहे हैं अरे नहीं नहीं मत कर मत कर अरे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें फ्रैंकलिन तुम्हें मरने का आदेश मिला है डॉक्टर अवार्ड ने। अरे भाई मेरे कुछ नहीं किया छोड़ दे तेरे दिखे दीदी। ये क्या गिर गया सामने इसे उठाऊंगा और फ्रैंकलिन के ऊपर फेंकूंगा। अरे छोड़ दे दीदी अरे छोड़ दे यार क्या किया तूने बहुत जोर से चोट लग गई। ये क्यों मार रहा है भाई ग्रीन चैन मेरे को और इसको इतनी पावर किसने दी थी। मैं हूँ रेड चैन आज मैं सबको तबाह कर दूंगा। अरे छोड़ दे क्यों मार रहा है ओ शिट नहीं 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 इतना क्यों मार रहा है गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे को छोड़ दे रेड चैन तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं छोड़ेगी नहीं रेड चैन रोबोट चैन इसे छोड़ेगी नहीं। अबे रोबोट चैन ओ शिट ये रोबोट चैन का मतलब डॉक्टर अवार्ड की कारस्थानी इसमें क्योंकि डॉक्टर अवार्ड ये गंदी हरकतें कर सकता है चैन चैन से हमें कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके सॉफ्टवेयर के साथ किसी ने तो छेड़छाड़ की है। ए रोबोट चैन तुम्हें छोड़ेगी नहीं ये ले बहुत हो गया आज तुम्हें तबाह करेगा। अरे अरे नहीं 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 अपना ही बच्चा है अब इसके साथ ही सबमिट करो। अबे कितना मार रहा है मुझे करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ेगा ग्रीन चैन। फिक्र भी सबमिट करो प्लीज प्लीज मत करो कुछ समझ हो जाओ अपना ही ग्रीन चैन है महसूस किसने तो बुरा कर दिया है। अब नहीं मानेगा ग्रीन लैंटर्न मेरी एक आँख फोड़ दी उसने अब मैं बताऊंगा कि ग्रीन लैंटर्न क्या करता है। अब मैं अपनी अंदर की पूरी पावर यूज करूंगा इसके ऊपर। ऐसे मत करो प्लीज आ जा इधर तू अब तुझे बताता हूँ मैं क्या करूंगा अपनी पूरी पावर छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पे जो भी हो अब मैं अपनी पूरी पावर यूज करूंगा। करो यार प्लीज आज मुझे कोई नहीं रुकेगा। ऐसे करोगे तो आपको भी नुकसान होगा। अब मुझे मेरी पावर चाहे जो भी हो जाए लेकिन ग्रीन लैंटर्न ने पहली बार इतना मार खाया किसी से छोड़ूंगा नहीं आज मैं। क्या हो रहा आपको अरे मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसीलिए कहा था मैंने कि पावर यूज मत करो। ये हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे छोड़ दे मुझे। अरे सुनो ये कौन बोला अरे क्या हुआ आपको अरे मेरे को वहाँ पे जाने फ्रैंकलिन भैया के साथ। अरे ये तू ले ले मेरी अब जान जा रही है मुझे बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही है मैं नहीं लगता बच पाऊंगा। ये ले ले ये चीज ले ले अरे क्या चीज है हाँ ये ले 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 अरे क्या बोलते हो ले लू क्या गई थी क्या चीज है कुछ समझ रहा मुझे क्या दे रहा है तू तू कौन है अरे छोड़ो इसका ले ले लेता हूँ ये चीज। अरे गई थी कहाँ पे चला गया और ये क्या मेरे ऊपर ये क्या चीज आ गई। अरे गई देखो ये क्या चीज आ गई मेरे ऊपर देखो ये तो मेरे अंदर जा रही ये जा रही है जा रही है अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आ गए जल्दी जल्दी सब कैप करो मुझे नहीं पता ये चीज है क्या आपको पता मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ आपको पता है फ्लैश की स्पीड से हमें 6 लाख सब्सक्राइबर तक जाना है बहुत नोटी हो सब्सक्राइब नहीं करते करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं चक्कर आ रहे है और ये चीज है क्या मेरे को चक्कर आ रहे है इसको देख के हुए ये क्या है और मैं ये क्या बन गया ओह माय गॉड अरे सब कुछ हरा हरा हो रहा है अरे कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है अरे ये क्या बन गया मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ओह माय गॉड अरे मैं ये क्या बन गया है आई आई मेरी आवाज को ये क्या हो रहा है ओ गाइस ये क्या हुआ मेरी आवाज को ओ माय गॉड सारा
अरे फ्रैंकलिन अंकल मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। मेरी आवाज ऐसी कैसे हो गई? ये क्या हुआ फ्रैंकलिन अंकल को? अरे फ्रैंकलिन अंकल नहीं, अरे ये क्या, ये तो ग्रीन चैन है फ्रैंकलिन अंकल। ये क्या हो रहा फ्रैंकलिन अंकल को? अरे कोई तो पूछो फ्रैंकलिन अंकल को, ये क्या हुआ रहा आपको फ्रैंकलिन अंकल? अरे मुझे कुछ नहीं समझ आ रही है, क्या हो रहा है? आउट ऑफ कंट्रोल की पावर। मैंने कहा था ना आपको कि मेरी बात माना करो, नहीं तो चिंता की बात कोई मानता ही नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या बन गया मैं? चिंचन, ये क्या हो गया मुझे? कहाँ पे ग्रीन लैंटर्न? ओ शिट, ये क्या है? मेरी ग्रीन लैंटर्न की पावर कहाँ पे चली गई? नहीं, मेरी पावर्स कहाँ पे? ये क्या बन गया मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे फ्रैंक भैया रुको। अरे ये कौन है? शिट, ये कौन है? अरे अरे अरे, ए मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अबे ये कौन सा मॉन्स्टर है? अरे मैं हूँ चिंचन। चिंचन है? मैं हूँ चिंचन। अबे लेकिन तुझे क्या हो गया? मेरे को कुछ नहीं पता, ये क्या हो मुझे? अबे तू बात करना पहले बंद कर दे, मुंह के ऊपर थूकरे तेरी दिखती थी। अबे वो कहाँ पे रेड चैन? रोबो चैन कहाँ पे? वहाँ पे बना है। अबे यार क्या हो गया चिंचन, ये क्या बन गया और मैं ये क्या बन गया? अरे आप बन गए ग्रीन लैंटर्न से अपग्रेडेड वर्जन ब्लू लैंटर्न, दुनिया का सबसे रेयर लैंटर्न जो कि हजार सालों में एक बार बनता है, ब्लू लैंटर्न। मेरे को क्या कह दिया ये? अबे मैं पावर चेक कर रहा था, तू भी यहाँ पे गिर गया क्या? मेरे को उठा नहीं आता है। अबे इसका साउंड का कुछ करना पड़ेगा, रुको मैं इसका साउंड इसको वापस देता हूँ। मेरे पास तो इतनी पावर है कि मैं इसका साउंड इसको वापस दे सकूं। ये हुई ना बात, चिंचन अपनी असली वॉइस में आ चुका है। शुक्रिया, मेरा आवाज अपने लौटा दिया। अरे लेकिन एक ग्रीन लैंटर्न से क्या बन गया मैं? मुझे लगता है अपने बहुत ज्यादा पावर यूज कर दी ना, तो अपना जो ग्रीन लैंटर्न है वो अपग्रेड हो गया नेक्स्ट लेवल अल्ट्रा गॉड लेवल लैंटर्न में। अब बन चुके हो स्काई लैंटर्न। अभी तो स्काई लैंटर्न अवेलेबल है ना ग्रीन लैंटर्न में? लेकिन वो बस स्काई है, अब स्काई ब्लू लैंटर्न हो। वो एक स्काई है और एक ब्लू है, वो दोनों अलग अलग है, दोनों मिला के आप बनते हो, आप बहुत रेयर लैंटर्न हो। अच्छा हुआ आपने अपनी पावर्स को पूरी तरीके से यूज किया, आप अपग्रेड हो चुके हो, अब थानोस के वट लगाएंगे हम। हाँ ये तो तू सही रहा, लेकिन ये स्काई लैंटर्न कैसा लगता है नाम? स्काई ब्लू लैंटर्न भी गलत लगता है नाम, मेरा नाम कुछ तो अलग हटके फटके तटके होना चाहिए ना। ऐसे कहा आपने, हमारी इतनी बड़ी आर्मी है टीम फॉर शूटर नाम की, और आपका नाम स्काई ब्लू और ब्लू लैंटर्न, ये कैसे लगेगा? ग्रीन लैंटर्न तो ठीक था, अब मैं आपका नाम घोषित करता हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अरे गाइस मेरे को याद आ गया नाम, इसके ऊपर आप लोगों को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आपका नाम है टीम फॉर लैंटर्न। जल्दी से जल्दी एंट्री मारो टीम फॉर लैंटर्न, कैसा लगा नाम? और अपनी जगह से एंट्री से अपने फैंस को चौका दो, उन्हें इंप्रेस कर दो। चलो टीम फॉर लैंटर्न आ जाओ। टीम फॉर लैंटर्न इज हियर। अरे चिंचन कैसे लगे एंट्री मेरे भाई? वो तो आपको फैंसी बताएंगे आपके। टीम फॉर लैंटर्न, और ये आपको कार कैसे मिली? अभी बाइक है, मैंने जैसे ही अपने माइंड में एक बाइक के लिए एंट्री की, इमेजिनेशन की, मेरे सामने बाइक आ गई। इसके मतलब आपके पास बहुत ऐसी पावर्स है। अरे हाँ चिंचन, अरे एक बात तो ले गई, ये तो पावर्स आ गई लेकिन तू ये कैसे बना? मेरे को खुद को नहीं पता। अरे वो बात छोड़, अपना जो रेड चैन है मतलब रोबो चैन कहाँ पे? वहाँ पे भी उसे। हाँ तो आ जा जल्दी जल्दी, चल 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 उसको लेके जाने हम यहाँ से। फ्रिकी भैया रुको, अबे अब क्या हो गया? वो देखो चौपी आ गया। क्या चौपी आ गया? चौप ये चौप है? यही चौप है, मुझे तो ऐसा लगता है। शक्ल देखो चौप से मिलती है। अबे किस एंगल से चौप से मिलती है? चौपे है लगता तो है, शक्ल देखो ना अब खुद लग नहीं रहा सेम टू सेम। अरे तुम लोगों ने रोबोट चैन को मारा, अब तुम्हें अल्ट्रा डॉग छोड़ेंगे नहीं। अल्ट्रा डॉग भाग गुस्से में, अल्ट्रा डॉग ऑन फायर। अरे बेचन बाबा हमें कहाँ पे जाना है?
अरे भाई प्लीज टोनी समझाओ यार वांडा को। अरे विजन और वांडा तुम्हें एक टीम में बट के सोल प्लेनेट के ऊपर जाना पड़ेगा और इन्फिनिटी स्टोन को बचाना पड़ेगा। अरे वहाँ पे किसने लगा है इन्फिनिटी स्टोन? अरे स्पाइडी वहाँ पे ना खुद टाइप कीपर से छुप के बैठा है। छुप के नहीं बैठा वो, वहाँ पे उसकी यादें जुड़ी है। वो उसका प्लेनेट था, उसने वो प्लेनेट को खुद से तबाह कर दिया था, लेकिन एंड गेम के बाद वो अच्छा बन गया है, इसीलिए वो हर दिन याद आने पे उस प्लेनेट पे जाता है। अल्ले तो तलने की क्या बात है, उस प्लेनेट के बारे में हमें नहीं पता था, तो थैनोस को क्या खाक पता होगा? तेरी ये सोच बहुत गलत है, थैनोस ऑलरेडी निकल चुका है उसे रोकने के लिए। जाओ तुम क्या देख रहे हो दोनों, पूरा का पूरा एक इन्फिनिटी स्टोन है जिससे कि वो पूरे ब्रह्मांड के टाइम को कंट्रोल करता है। तो प्लीज जाओ टाइम प्लेनेट के ऊपर जाओ और इन्फिनिटी स्टोन को बचाओ। अरे विजन बाबू लेकिन तुम्हारे पास भी एक इन्फिनिटी स्टोन है, अगर वो थैनोस ने ले लिया तो? अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, जाओ हमें जाना ही पड़ेगा। अरे हाँ सही कहा। अरे भाई प्ले वंडर बीबी डरने की क्या बात है, विजन है ना तुम्हारे साथ। हाँ तो चलो चलते हैं टाइम प्लेनेट। अरे भाई प्ले हमारे हैं टाइम प्लेनेट, गाइस आप लोगों को पता है ना फ्लैश की स्पीड से हमें 6,00,000 सब्सक्राइबर तक जाना है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। चलते हैं टाइम प्लेनेट टाइम कीपर को बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास भी एक पूरा का पूरा इन्फिनिटी स्टोन है और मेरे पास तो आधा है। आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं, मुझे पता था तुम मेरे पीछे जरूर आओगे। तुमने पूरी दुनिया को टाइम में कैद कर दिया है, लेकिन मैं खुद टाइम का मोहताज हूँ, मेरे पास टाइम इन्फिनिटी स्टोन है और तुझे ये पता थी। आ गया थैनोस, तुझे ये इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे लिए रुके थे, तो चलो दे दो मुझे वो इन्फिनिटी स्टोन। तुम्हारे पास तो पूरा का पूरा एक इन्फिनिटी स्टोन है, वो मुझे दे दो। वैसे भी मैंने इन्फिनिटी स्टोन का एक हिस्सा पा लिया है और तुम्हारे इन्फिनिटी स्टोन के पास मेरे पास हो जाएंगे 3 इन्फिनिटी स्टोन और थैनोस राज करेगा ब्रह्मांड पे। तेरे को क्या लगा इतनी जल्दी मिलेगा ये? नहीं इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, तो मैं छीन लूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, ऐसा नहीं कर सकता। तूने पहले भी मुझे मारा है, तुझे पता है मैं कभी मर नहीं सकता, फिर भी तुझे मेरे से पंगा लेना है? मुझे पंगा नहीं लेना, मुझे इन्फिनिटी स्टोन चाहिए। इन्फिनिटी स्टोन दो मुझे, स्टोन दे मुझे, स्टोन चाहिए। मैं नहीं दूंगा, मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा तुझे स्टोन, मैं लेके रहूंगा, आज तेरी जान भी निकाल दूंगा, फिर मुझे इन्फिनिटी स्टोन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये ले, पूरा ब्रह्मांड आल थैनोस डरेगा। तो आजा 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 चलो। तुझे थैनोस का गुस्सा पता नहीं है, तो मैं भी तुझे छोड़ने नहीं वाला। हाँ मेरे से पंगा लिया तूने, तुझे पता नहीं है मैं भी इस ब्रह्मांड का टाइम कीपर हूँ, तो मेरा स्टोन नहीं ले सकता। वो तो देखा जाएगा। चले ये बहुत हो रहा है, अब तुम्हें बताना पड़ेगा टाइम कीपर की असली पावर। तू बताना क्यों रुका है, डर गया क्या? काट के रख दूंगा। तुझे क्या लगा थैनोस इतनी जल्दी हार मानेगा? नहीं, थैनोस बहुत ताकतवर है और शातिर है। ये ले, अब बहुत हो गया। हाँ ये ले, थैनोस से पंगा ले रहा है तू? हाँ तो लूंगा, मैं भी टाइम कीपर हूँ इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का। तेरे जैसे चमलोर मेरे से इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं ले सकते। ये ले, ये लड़ाई होने वाली यार या पार की टाइम के खिलाफ, थैनोस और थैनोस के बीच में, वर्तमान और पास्ट के बीच में होने वाली है सबसे बड़ी जंग है। हमें भी पता है ये जंग है, लेकिन तुझे मैं आज काटूंगा तोड़ूंगा फोड़ूंगा निचोड़ूंगा तुझे, लेकिन टाइम स्टोन नहीं दूंगा। तुझे मारा तूने, यले अब बहुत हो गया। तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं हूँ टाइम कीपर इस ब्रह्मांड का। तेरे जैसे चमलोर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंडरएस्टिमेट किया तूने मुझे, अंडरएस्टिमेट करने का ये नतीजा होता है। ये लड़ाई ब्रह्मांड के इस कोने से लेके उस कोने तक होने वाली है, समंदर से लेकर आसमान तक होने वाली है। मुझे चाहिए स्टोन, इन्फिनिटी स्टोन। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मैंने कहा था मेरे से पंगा मत लेना। ये ले, बस इन पावर्स में गेन करके तेरे ऊपर छोड़ दूंगा। ये ले, मुझे स्टोन दे।
खुश हो गया तू? अब ये स्टोन मैं लूंगा। अब ये स्टोन लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे बाप रे, तुझे कौन रोके या ना रोके, लेकिन मुझे जरूर रोकेगा। आ जा भी होने एंड गेम के बाद तू मेरा हम सफर है। आइस पर रुके आइस पर, मुझे बिजली की शक्तियाँ रोज प्रोवाइड करो। मुझे ये दानव को मारना है। थानोस तू इन्फिनिटी स्टोन नहीं ले सकता। ये कौन है? अरे मैं हूँ ये ले धोखा। अरे बाप रे धोखा, तेरे को बताता हूँ ये ले धोखा। अरे विजय बाबू, इसका क्या करूँ मैं? अरे बाप रे, उसको एवेंजर के पास पहुँचा दो अपनी पावर से। हाँ विजय बाबू, तब तक तुम उसे रोको। अरे मैं इसे रोकता हूँ, कहाँ पे गया थानोस? अरे टाइम के पास तुम ठीक तो हो क्या? अरे मैं ठीक हूँ, मेरे पास जो इन्फिनिटी स्टोन है लेके भाग। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ एवेंजर आ चुके, तुम सीधा जाओगे टोनी स्टार्क के पास वॉरशिप के ऊपर। हाँ जाओ। अरे 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 पीछे तो देखो। अरे ये कौन है? अरे ये तो वही है लैंड टाइटन। अरे भागो। अरे बाप रे विजन बूबी, भागो, वो बहुत खतरनाक है। अरे अरे तुम्हें क्या लगा, तूने टैंक कीपर को यहाँ से टेलीपोर्ट करवा दिया? तो तुम्हारा तो स्टोन है ना यहाँ पे, क्या बोलते हो थानोस? अरे बाप रे थानोस, छोड़ दे। अब तेरा स्टोन मैं लूंगा। मुझे ये क्या और वो क्या, दोनों स्टोन ही है। अरे विजन बाबू अब मैं छोड़ने नहीं वाला। हाँ ये ले, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ ये ले। अरे बाप रे, फाटे बीबी क्या हो गया? तुम्हें क्या लगा, एक पंच मार दिया तो टाइम कीपर को बचा लिया, लेकिन तुम खुद फंस चुके हो। तुम्हारा स्टोन अब मेरा है। अरे बाप रे छोड़ दे। नहीं, तुझे क्या लगा मैं इसे भूलूंगा क्या? तेरी जिंदगी जैसी ये ले। अब तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तेरे पीछे तो देख पीछे। अरे बाप रे क्या है पीछे, ये क्या है?